अस्सलाम वालेकुम। ये मैसेज ख़ास तौर पर हमारी वेब के फॉलोअर्स के लिए है। अब शादियों का सीज़न आ रहा है और लड़कियां बड़ी एक्साइटेड होती हैं कि जी इवेंट्स पे मेहंदी लगवानी है। तो अब से कुछ दिनों पहले मेरे पास एक केस आया जिसकी कुछ तस्वीर मेरी टीम शेयर करेगी आपसे। और ये सिर्फ एक केस नहीं आया, ऐसे बहुत सारे केसेस पहले आ चुके हैं, लेकिन ये इतना कोई शदीद था मेहंदी के केमिकल से बर्न का केस कि मुझे लगा कि ये मेरा बहैसियत डॉक्टर फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूँ, ताकि बहुत सारी और बच्चियाँ हमारी बहनें इस चीज़ से इन इफ़ेक्ट से बच जाएं। होता क्या है कि पीपीडी इसमें इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे और केमिकल्स हैं जो मेहंदी को रंग देने के लिए, लाल या काला तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि आपके हाथ को पूरा बर्न कर देते हैं। तो ये इतना शदीद होता है कि कभी कभी तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री तो चलो फिर भी फर्स्ट डिग्री बर्न हो, जिसको एपिडर्मल बर्न कहते हैं, वो फिर भी ठीक हो जाता है, लेकिन जो सेकंड डिग्री या अल्लाह ना करे थर्ड डिग्री बर्न होता है, वो उसके स्कार्स नहीं जाते और सारे उम्र के लिए आपके हाथ पर ऐसे स्कार्स बन जाते हैं, सोशल कॉन्फिडेंस को भी बड़ा शटर करते हैं। तो इसलिए आप तमाम लड़कियों से ये रिक्वेस्ट है कि केमिकल बर्न्स चाहे वो आपको रंगने वाली मेहंदी से आएँ, ब्लीच से आएँ, वैक्स से आएँ, जो इसमें अमोनिया या इसी किस्म के केमिकल्स यूज़ होते हों, या आपके हेयर डाई से आएँ, प्लीज़ उनसे इज्तनाब करें। वो सेफ़ प्रोडक्ट्स जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें, प्लीज़ उसे ही यूज़ करें एंड एन्जॉय योर हेल्दी स्किन।